अब आपको सीधा लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वेबिनार कर रहे हैं, उसे संबोधित कर रहे हैं। कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहे थे तो कुछ लोग सवाल उठाते थे कि इसकी जरूरत क्या है, लेकिन महामारी के समय में हमारे इन प्रयासों की अहमियत को सबने देख लिया है। ये डिजिटल कनेक्टिविटी है जिसने वैश्विक महामारी के इस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा। हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। इनोवेशन हमारे यहां इंक्लूजन सुनिश्चित कर रहा है और अब तो देश इंक्लूजन से भी आगे बढ़कर इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। इस दशक में हम जो आधुनिकता शिक्षा व्यवस्था में लाना चाहते हैं उसके आधार को मजबूत करने के लिए इस साल के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ते भारत के व्यापक विजन का हिस्सा है, इसलिए ई विद्या हो, वन क्लास वन चैनल हो, डिजिटल लैब्स हो, डिजिटल यूनिवर्सिटीज हो, ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। ये भारत के सोशियो इकोनॉमिक सेटअप में गांव हो, गरीब हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी, सभी को शिक्षा के बेहतर समाधान देने का प्रयास है। साथियों, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी तरह का अनोखा और अभूतपूर्व कदम है। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी में वो ताकत देख रहा हूं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे देश में सीटों की जो समस्या होती है उसे पूरी तरह समाधान दे सकती है। जब हर विषय के लिए अनलिमिटेड सीट्स होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा जगत में आ जाएगा। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी लर्निंग और रीलर्निंग की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के लिए युवाओं को तैयार करेगी। शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, एआईसीटीई और सभी स्टेक होल्डर्स, सबसे मेरा आग्रह है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी तेजी से काम शुरू कर सके, ये सुनिश्चित होना चाहिए। शुरू से ही ये डिजिटल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेकर चले, ये देखना हम सभी का दायित्व है। साथियों, देश में ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट्स का निर्माण करने का सरकार का इंटेंट और उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी आपके सामने है। अब आपको अपने प्रयासों से इस इंटेंट को जमीन पर उतारना है। आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी है। अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब सभी शिक्षाविदों की ये विशेष जिम्मेदारी है कि स्थानीय भारतीय भाषाओं में बेस्ट कंटेंट
और उसके डिजिटल वर्जन के निर्माण को गति दी जाए। भारतीय भाषाओं में ये ई कंटेंट इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो के माध्यम से सभी के लिए एक्सेस हो, इस पर काम करना है। भारतीय साइन लैंग्वेज में भी हम ऐसे पाठ्यक्रम विकसित कर रहे हैं जो दिव्यांग युवाओं को सशक्त कर रहे हैं। इसमें भी निरंतर सुधार करते रहना बहुत जरूरी है। डिजिटल टूल्स, डिजिटल कंटेंट को कैसे बेहतर तरीके से डिलीवर किया जाए, इसके लिए हमें टीचर्स को भी ऑनलाइन ट्रेन करने पर जोर देना होगा। साथियों, डायनामिक स्किलिंग आत्मनिर्भर भारत के लिए और ग्लोबल टैलेंट डिमांड के लिहाज से भी बहुत अहम है। पुराने जॉब रोल्स जिस तेजी से बदल रहे हैं, उनके अनुसार हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को तेजी से तैयार करना होगा। इसलिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, डिस्टैक, ई पोर्टल और ई स्किलिंग लैब की जो घोषणा बजट में की गई है, उसके पीछे यही सोच है। साथियों, आज टूरिज्म इंडस्ट्री, ड्रोन इंडस्ट्री, एनिमेशन और कार्टून इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री पर हमारा बहुत अधिक फोकस है। इन सेक्टर्स से जुड़े मौजूदा उद्योगों और स्टार्टअप के लिए हमें ट्रेन मैन पावर की आवश्यकता है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, इस सेक्टर के विकास के लिए टास्क फोर्स का गठन इसमें बहुत मदद करने वाला है। इसी तरह अर्बन प्लानिंग और डिजाइनिंग देश की जरूरत भी है और युवाओं के लिए अवसर भी है। आजादी के अमृत काल में भारत अपने अर्बन लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए AICTE जैसी संस्थानों से देश की ये विशेष अपेक्षा है कि इससे जुड़ी पढ़ाई और ट्रेनिंग में निरंतर सुधार हो। साथियों, एजुकेशन सेक्टर के द्वारा हम आत्मनिर्भर भारत के अभियान को कैसे सशक्त करेंगे, इस पर आप सभी के इनपुट्स देश के काम आएंगे। मुझे विश्वास है कि हम सभी के साझा प्रयासों से बजट में तय लक्ष्यों को हम तेजी से लागू कर पाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी प्राथमिक शिक्षा है, गांव तक अनुभव ये आ रहा है कि स्मार्ट क्लास के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा दूर सुदूर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा, या हमारी जो नई कल्पना है कि वन क्लास वन चैनल, गांव तक हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।